हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो अभी ये 12:30 का टाइम है और ये हम स्टार्ट करते हैं मेरी बेटी विरोनिका के साथ व्लॉग को। तो ये देखिए, ये डायरी और पेन लेकर बैठी है और ये पढ़ाई कर रही है। ठीक है, इसको बेसिकली वही करना होता है जो इसकी मम्मा कर रही है। तो फिर मेरे को लंच बनाना था तो मैंने इसको बिठा दिया है यहाँ पर कलरिंग करने के लिए, बट उसमें भी ये नहीं करना है, वो करना है, ये करना है। फिर उसको कैमरा दिख गया है तो अब ये कैमरा पे एक्टिंग कर रही है। देखिए, आपसे ये बात कर रही है, कैमरा पे एक्टिंग कर रही है। पूरा दिन इसका यही मस्ती चलता रहता है। आजकल बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है ये। ये देखिए, अब इसको कैमरा दिख गया है। नो मम्मा, मैं खुद करूँगी, ये अभी चल रहा है। हाँ, अब ये सिलेक्ट हो रहे हैं इसमें से कलर्स कौन सा करना है। तो आज इसकी मस्ती चलती रहेगी। ठीक है, तो आज हम आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ दो रेसिपीज़। एक है बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, दोनों ही आप लोग ट्राई कर सकते हैं। समर्स में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं ये, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, बट आप लोग भी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। ये देखिए, अभी आपसे बात कर रही हैं, हेलो हाउ आर यू, ऐसे इसका ये चल रहा है। कलर्स ने छोड़ दिए हैं और अब इसका पूरा फोकस कैमरा पे आ गया है कि ये चल क्या रहा है। ये सोच यही रही है कि ये चल क्या रहा है बेसिकली, है ना। हेलो, ऐसे बोलिए, हेलो हाउ आर यू। तो चलिए मूव करते हैं अपनी लंच की रेसिपीज़ की तरफ। तो फर्स्ट है हमारी लौकी चने की दाल। ये मैंने देखिए पूरी वेजिटेबल कट करके रखनी है और चने की दाल को मैंने हाफ एन आवर पहले सोक करके रख दिया था। सबको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कुछ। पहले पानी ऐड करते हैं, उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ सॉल्ट, हींग, टर्मरिक पाउडर, और इसको हम प्रेशर कुक करने के लिए रख देंगे। दूसरे में मैंने अरवियों को चढ़ा दिया है। जितने पानी में अरवी डूब जाएं बस उतने में ही उनको चढ़ाना है और उनको भी 3 सीटियों तक प्रेशर कुक करना है। उसके बाद देखिए, मेरी दाल उबल गई है, दाल और लौकी चने की दाल है ये उबल गई है। तो अब इसको हम तड़का लगाने वाले हैं और तड़के के लिए मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल। मैं ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ, बट कभी कभी मैं ऑलिव ऑयल का भी यूज़ करती हूँ, मतलब चेंज कर करके मैं यूज़ करती रहती हूँ। ये देखिए, मेरी अरवी भी साइड बाय साइड उबल गई हैं तो उनको हम ड्रेन करके रख देंगे। और इसमें मैंने ऐड किया है पिंच ऑफ हींग। उसके बाद मैं इसमें राई का तड़का लगाने वाली हूँ, तो राई और कड़ी पत्ता का तड़का मैं इसमें लगाने वाली हूँ। दोनों को मैंने ऐड कर दिया है और राई के जो दाने होते हैं ना, वो थोड़ा छिटकते हैं, तो उनको केयरफुली होकर, थोड़ा सा दूर होकर उनको करना है। इसके बाद मैंने इसमें गार्लिक ऐड किया है। इसको हल्का सा ब्राउन होने तक हम इसको ऐसे ही सोते करते रहेंगे। उसके बाद हो गया है तो उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं अनियन। अनियन को भी थोड़ा हमें लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा बिल्कुल डार्क नहीं करना है। मैं सारी रेसिपीज में सिर्फ हल्का ब्राउन ही करती हूँ। ये देखिए, राई के दाने बहुत ज़्यादा छिटक रहे थे तो मैंने इसको कवर कर दिया है। मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये अभी हो गए हैं। तो इसमें हम ऐड कर देंगे अपना टोमेटोज़। टोमेटो ऐड कर दिया है मैंने और इसको फिर से हमें ऐसे ही करना है। उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं रूटीन के। तो नमक हमारा पहले ही चला गया है, हल्दी पहले ही चला गया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने किचन किंग पाउडर ऐड किया था इसमें। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसी स्टेज पर डाल देती हूँ। बहुत से लोग होते हैं कि वो बाद में डालते हैं, बट वो पैकेट वाला है तो इसलिए मैंने इसी स्टेज पर डाल दिया है, क्योंकि उसको फिर उसका वो अरोमा नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इसी स्टेज पर उसको डाल दिया है। अब इसको टमाटर गलने तक, इसका ऑयल रिलीज़ होने तक हमें इसको ऐसे ही भूनना है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था, 2 या 3 मिनट के लिए, और ये अभी होने लग रहा है। इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी मैं अपनी अरबी को कट करने के लिए। अरबी मैंने कट करके रखती है साइड में और ये मैंने इसमें, इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया था मसाले ने, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये अपना लौकी चने की दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है। जैसे कई लोग होते हैं जो थोड़ा पतला खाते हैं, कई होते हैं थोड़ा टाइट लेना पसंद करते हैं, तो थोड़ा ये हम लोग टाइट ही खाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइट रखा है। अब इसको और ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, और हाँ, पानी उबाल कर डालना है जिससे कि वो पानी अलग और वो सब्ज़ी अलग वाला सिस्टम ना रहे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा पानी आपको बॉईल करके तब इसमें ऐड करना है। ये
मैंने इसमें हो गया, ये मेरी ऑलमोस्ट डन, मैंने उसको रख दिया साइड में। और ये मेरी अरवी मैंने कट करके ले ली है, इसमें मैंने इस मस्टर्ड ऑयल डाला है इसमें मैंने, और इसमें मैंने अजवाइन का छौंक लगाया है, अजवाइन और हींग पहले डाल दिया है, उसके बाद मैंने इसमें किचन किंग पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, सौंफ, धनिया और ये सब डाल दिया है। इनको अच्छे से भूनेंगे, इसमें कोई मैं टमाटर प्याज लहसुन ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये रेसिपी मेरे को ऐसे ही पसंद है। टमाटर वाली भी बनती हैं, बट आई डोंट नो कि मेरे मतलब वाई कि मेरे को वो पसंद नहीं आती हैं कुछ, उसका मतलब टमाटर का फ्लेवर मेरे को अरबी के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने इसको अच्छे से इसको चला दिया है, अब इसको आपको भूनना है, ये पूरा आपको मसाला अच्छे से इनमें कोट कर लेना है। अगर आपको पसंद है टमाटर का फ्लेवर तो आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट बिना टमाटर के, मेरे को बिना टमाटर के ही ज़्यादा पसंद है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है, और ये मैंने थोड़ा सा बिल्कुल अमचूर पाउडर लिया है, और आप मेज़रमेंट रखिएगा 1 टीस्पून, जो छोटी होती है, छोटे वाली जो स्पून होती है उसका आप मेज़रमेंट रखिएगा, आपका एकदम परफेक्ट बनकर निकलेगा ये। और ये सब्जी आप, मैंने तो दाल के साथ बनाई है, बट आप इसको वैसे खाली भी बना सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं अपने बच्चों को, उनको मत बताइए कि अरबी की सब्ज़ी है, उनको यही लगेगा कि पटेटो की सब्जी है। 2 मिनट के लिए आपको इसको ऐसे ही भूनना है, और इसको मैंने ढक के थोड़ा भून लिया है। अब मैंने साइड बाय साइड रोटियां बना रही हूँ मैं, तो अभी मैं सिर्फ मैं ही और मेरे हस्बैंड ही खाने वाले हैं, तो और मेरी बेटी सो रही थी, उसको सुला कर ही मैं खाना बना रही हूँ, तो वो सो गई थी, तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, तो मेरी रोटियाँ बेल रही हैं, देखिए मैं रोटी बेल रही हूँ ऐसे राउंड एंड राउंड 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 करके, तो रोटी मैं सेक लूँगी। और इसके बाद ये देखिए रोटी गई है। हाँ, मैं इसके बाद एक बार फिर से साइड बाय साइड इसको भी चेक कर लेती हूँ कि इसका कैसा टेक्सचर है, क्या है, कितना भी और उसको भूनना है। तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, और इसको ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ, जो आपस में चिपक जाती है उनको भी मैं अलग अलग करके उनको भी अच्छे से निकाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप मेरे व्लॉग को पूरा देखिए, आपको आगे आने वाली रेसिपीज़ में बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मिलने वाली हैं, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, तो मैं वो आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी, कि कौन जो भी रेसिपीज़ होगी आगे आने वाले व्लॉग्स और रेसिपीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, और प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखा करिए। ये देखिए, ये मैं इनको अच्छे से कर रही हूँ ऐसे। इसके बाद मैंने उसको ये हरे धनिया के साथ थोड़ा सा डाल दिया, इसमें हरा धनिया अच्छा लगता है, तो मैंने इसको ढक के रख दिया है। अब मेरी रोटी भी इतनी देर में हो गई है, रोटी को अब हमें सिर्फ सेकना है। रोटी के लिए आपको एक तरफ से थोड़ा हल्का सेकिए उसको, एक तरफ से थोड़ा करारा सेकिए, तो आपकी रोटी परफेक्ट फूलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही इसी ट्रिक से रोटी बनाती हूँ, एक तरफ से थोड़ा हल्का सेकिए और एक तरफ से थोड़ा टाइट सेकिए, तो वो अच्छी बनती हैं रोटी। तो ये मेरे को ज़्यादा नहीं, 4 या 5 रोटियाँ ही बनानी थी, तो मैं सारी रोटियाँ बना रही हूँ। उसके बाद आपको प्लेटिंग करके भी दिखाते हैं। ये देखिए, प्लेट में मैंने सैलेड रखा है, उसके बाद मैंने लौकी चने की दाल की टेस्टी सब्जी प्लस हेल्दी सब्जी, और उसके बाद ये अरबी की सब्जी और 2 रोटियां और घर का बना हुआ आम का अचार। तो ये हमारी थाली एकदम रेडी है, देखिए लग रही है ना टेम्प्टिंग। तो इसके बाद बस शाम को हम लोग गए थे पार्क, ये देखिए विरोनिका स्विंग कर रही है, ये देखिए कितना अच्छा है ना वेदर, मैं आपको एक बार दिखा रही थी कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल, और अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून। मिलती हूँ आपसे जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ। फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।